शांति सत्यम शिवम सुंदरम सत्चित आनंद स्वरूप सत्श्री अकाल मूरत सदाशिव। परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 29 जुलाई 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। बच्चे के जन्म में, उसकी पालना में माता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कहा भी जाता है, माँ बच्चे की प्रथम गुरु है। यदि माँ शिक्षित है, दीक्षित है, सुसंस्कारी है, तो अपनी संतान में वो श्रेष्ठ संस्कारों का संचार कर सकती है। क्योंकि माँ बच्चे को चलना ही नहीं सिखाती, बल्कि साथ में उसे चलन भी सिखाती है। माताओं में मेन रूप से वात्सल्य भाव, करुणा का भाव, दया भाव, त्याग एवं तपस्या का भाव कूट कूट कर भरा हुआ होता है। सचमुच जिस देश की माताएं श्रेष्ठाचारी होती हैं, उस देश को कोई भ्रष्टाचारी बना ही नहीं सकता। और अगर नारी भ्रष्टाचारी हो जाए तो उस देश को कोई बचा नहीं सकता। भले ही शास्त्रों के अंदर नारी की विशेष गरिमा कई जगह पर नहीं गाई गई, और इसीलिए परमपिता परमात्मा जब संगम युग पर इस धरा पर अवतरित होते हैं, तो ज्ञान का कलश वो माताओं के सिर पर रखते हैं। भगवान शिव कहते हैं, तुम माताओं पर विशेष जिम्मेवारी है, एक जवाबदेही है जो भगवान ने दी है। तुम्हें ज्ञानामृत सर्व आत्माओं को पिलाना है, क्योंकि तुम माताएं जगदम्बा और सरस्वती हो। तुम्हारा कर्तव्य है अपने हम जिन्स का उद्धार करना, मातृशक्ति को संस्कारित करना, क्योंकि जब मातृशक्ति संस्कारी हो जाती है तो सारा भारत संस्कारित हो जाता है तथा चढ़ती कला की ओर अग्रसर हो जाते हैं। आपके पुरुषार्थ से पतित दुनिया पावन दुनिया बन जाएगी, नारकीय दुनिया स्वर्गिक दुनिया बन जाएगी। क्यों? क्योंकि माता है शिव शक्ति सेना। शिव की जटाओं में भी किसको बसाया गया है? नारी शक्ति को, गंगा को। सन्यासी भले कहें कि नारी नरकस्य द्वारम, परंतु परमपिता परमात्मा भगवान शिव कहते हैं, शिवाचार्य कहते हैं, नारी स्वर्गस्य द्वारम। तो तुम शिव से ही शक्ति लेकर सारी मानवता का उद्धार करती हो। बाबा कैसे अबलाओं को सबला बना रहे हैं, तुम कल्याण करती हो। बाबा ने कहा, देखो किन्हीं कारणोंवश जो विषय विकारों में फंस चुकी हैं, ऐसी वेश्याओं का भी उद्धार तुमने करना है। ये है फराक दिली उस परम पिता परमात्मा की। वो जब आए हैं तो हर एक को उसकी जगह से ऊपर उठाना चाहते हैं, सबका उद्धार करना चाहते हैं। बाबा कहते, एक ऐसा रूहानी संगठन बनाना है तुम्हें, और युक्ति युक्त, योग युक्त,
शक्ति युक्त बनाना है उसे, साधारण संगठन नहीं बनाना लेकिन योग युक्त बनाना है, चरित्रवान बनाना है। फिर भगवान शिव ने कहा, दुनिया में तो अनेक प्रकार के योग हैं, परंतु इतने सारे योग सीखने के बावजूद भी मानव आत्मबल, मनोबल और चरित्र बल से इतना नीचे क्यों उतर गया है, ये सोचने की बात है ना। तो इसका उत्तर तो यही है कि सच्चा सच्चा योग सिवाय परमपिता परमात्मा शिव के कोई न जानता है न सिखा सकता है। वही आकर सच्चा राजयोग, ज्ञान योग इस मानवता को सिखाते हैं, जिसके अभ्यास से मनोबल आत्मबल बढ़ जाता है और मानव में छिपा हुआ जो देवत्व है उसका उदय हो जाता है। परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं, मुझ परम पिता परमात्मा के साथ निरंतर अपना बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जो परम पिता परमात्मा के बन जाते हैं सचमुच, उनका दोहरा चरित्र समाप्त हो जाता है, वो बाहर भीतर से एक हो जाते हैं, हर प्रकार का दंभ और दिखावा, अहम सब समाप्त हो जाता है। ऐसे बच्चों को ही प्रभु के सच्चे सच्चे बच्चे कह सकते हैं। तो अपनी चेकिंग करनी चाहिए कि क्या हम उस परमपिता परमात्मा के सच्चे बच्चे हैं या कहने मात्र बच्चे हैं। ऐसे बच्चे सदैव हर समय अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर फास्ट गति से चलते रहते हैं, कहीं ब्रेक नहीं लगाते तथा उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। ऐसे बच्चे सदैव निर्भय एवं खुश मिजाज रहते हैं। ऐसे बच्चों की सबसे बड़ी से बड़ी अगर कोई विशेषता है तो यही है कि वो सबके साथ प्यार से, सत्कार से, निराभिमानी होकर रहते हैं और एक ऐसा मजबूत आध्यात्मिक संगठन खड़ा कर देते हैं। ऐसे बच्चों का एक ही लक्ष्य होता है, स्वयं मन वचन और कर्म से पावन बनना और अन्यों को भी ऐसे ही पावन बनने की प्रेरणा देना, सहयोग देना। ऐसे बच्चों ने उस परमपिता परमात्मा को अपना साथी बना लिया होता है और उस प्रेम में, उस मस्ती में परवाने दीवाने हो जाते हैं और वो हमेशा उनका मन गा उठता है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रहे जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए, साथ अपने है जो जग का रखवाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तेरी आँखों से
प्याले बड़ी जतन से छिपा कर नजर में हो पाले तुम्हारी याद के मोती गले की माला है तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। उनके लिए उस परम पिता परमात्मा का जो अनुभव है, जो साथ है, वो निरंतर स्मृति में बना रहता है। आज का वरदान है श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सुख में स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भव। हमारी जो वास्तविक प्रेजेंट स्थिति होती है उसका आधार हमारी मनस्थिति ही होती है। जैसी कॉन्शियस होगी वैसी ही स्टेट ऑफ माइंड होगी। तो भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे आप सिर्फ स्मृति स्वरूप बन जाओ। क्यों? क्योंकि ये सारा जगत, इसका खेल स्मृति और विस्मृति का तो बना हुआ है। स्मृति आने से क्या होता है? जैसी स्मृति वैसी स्थिति बन जाती है। अगर खुशी की स्मृति में होंगे तो खुशी का माहौल बन जाएगा, और अगर दुख की स्मृति में आ जाएंगे तो फिर दुख की स्थिति बन जाएगी, उदासी आ जाएगी, चेहरा ही उतर जाएगा। परंतु बाबा सावधानी देते हैं कि संसार में तो दुख दिन ब दिन बढ़ना ही है, सब अति में जाना है, लेकिन आप बच्चों को खुशी में रहना है। क्यों? क्योंकि खुशी के सागर के बच्चे हैं ना, सदा खुशी में रहना है। सदा खुशी में रहने वाले सुख स्वरूप हो, इसलिए कुछ भी हो जाए आप सदा मौज में रहो। व्यर्थ की स्मृति, पास्ट की स्मृति, इसमें मत जाओ, लेकिन परमात्मा के सदैव साथ रहो। आज का स्लोगन है, समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना यही तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। हमारे पास सबसे अमूल्य अगर कोई धरोहर है तो वो है समय। तो समय, वो भी संगम युगी समय, अमूल्य निधि है। इसलिए अपनी ऊर्जा को भी गंवाना नहीं है। मौन का अभ्यास करना है, याद और सेवा में रहकर अपना समय भी सफल करना है। स्वतः ही पुरुषार्थ की जो रेस है वो तीव्र हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता
सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति।